हेलो फ्रेंड्स, सो वेलकम बैक टू चैनल JS कॉमर्स क्लासेस। तो इस वीडियो में हम देखेंगे मुंबई यूनिवर्सिटी की तरफ से एक ऑफिशियल सर्कुलर रिलीज हो चुका है हाउ टू कंडक्ट द एग्जाम। जैसे कि फाइनल ईयर के एग्जाम्स कंडक्ट करना इतना कंफर्म हो गया था, अब वो किस तरह से कंडक्ट करना है तो प्लीज़ इस वीडियो को टिल एंड तक देखना, तो आपके सारे डाउट्स ATKT बैकलॉग रेगुलर जो फ्रेशर है उनके एग्जाम्स कब से गए। सबसे पहले पॉइंट में उन्होंने बताने की कोशिश की, जो तुम्हारे बैकलॉग के एग्जाम्स है और ATKT के जो एग्जाम्स है वो 25th से स्टार्ट हो गए, ठीक है। सेकेंड, जो भी कॉलेजेस है उनको अपने स्टूडेंट्स के मोबाइल नंबर, ईमेल नंबर, सब डॉक्यूमेंट, मतलब जो भी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं स्टूडेंट से लेना है और उनको पूरा डॉक्यूमेंट को सबमिट करना है। थर्ड पॉइंट में ये बताने की कोशिश की, जैक आर्ट्स कॉमर्स जो कॉलेजेस में अगर कुछ एग्ज़ाम्स हो चुकी होगी तो उसकी एग्ज़ाम्स फिर से लेने की ज़रूरत नहीं है। फोर्थ, मार्च 2002 में जहाँ महाविद्यालय जिसके अगर कुछ कुछ कॉलेजेस में या यूनिवर्सिटीज़ में जो कॉलेज ये मुंबई यूनिवर्सिटीज़ की जो कॉलेजेस हैं अगर उसकी फाइनल एग्ज़ाम हो चुकी है ओरल प्रकल्प मौखिक परीक्षा घेण्यात आले असतील तर त्या, मतलब अगर ओरल एग्ज़ाम हो चुकी तो फिर से वो कंडक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। फिफ्थ पॉइंट, परीक्षांच्या सुयोग्य आयोजनासाठी विद्यापीठ विद्याशाखेनं, अगर देखो एक जो भी कॉलेजेस होगी वो कॉलेजेस जितने भी कॉलेजेस है जैसे कि फॉर एग्जाम्पल होटल मैनेजमेंट, फार्मेसी, तो जितने भी कॉलेजेस हैं मुंबई यूनिवर्सिटी के अंडर आती हैं तो वो कॉलेजेस में एक कॉलेजेस को हेड बनाया जाएगा जिसको कि क्लस्टर नाम दिया जाएगा, उसके हिसाब से सब कॉलेजेस को क्या करना होगा, टाइम टेबल को फॉलो करना होगा। सिक्स पॉइंट, मतलब वो फिफ्थ पॉइंट आपके लिए स्टूडेंट्स के लिए नहीं है। सिक्स पॉइंट, जहाँ विद्यार्थी ने विद्यापीठ, जो स्टूडेंट्स ने अभी तक फॉर्म नहीं भरे हुए वो अभी फॉर्म नहीं भर सकते, लेकिन अगर जिन्होंने फॉर्म भर दिए और कॉलेज ने यूनिवर्सिटी को अभी तक फीस पेड नहीं किए तो यूनिवर्सिटी को कॉलेजेस को यूनिवर्सिटी में पेड करना है। सेवन पॉइंट, जिस स्टूडेंट को सीट नंबर पहले मिल चुके थे COVID-19 से पहले तो वही वाला सीट नंबर अभी कंटिन्यू रहेगा। सेवन्थ में अभी आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। अब जहाँ अभ्यासक्रम अंतर्गत परीक्षा इंटरनल और एक्सटर्नल एग्जाम हो लेनी कंडक्ट है, अगर जिसकी हो गई है अच्छी बात है, जो कॉलेज में अभी तक ऑनलाइन नहीं हुआ है तो उनकी 15 सितंबर नस्ल तैनी दिनांक 15 सितंबर अच्छा आठ मतलब 15 सितंबर से पहले उनको इंटरनल और टीम वर्क जो भी एग्ज़ाम्स होती है हर कोर्सेस में अवेलेबल नहीं होती, जहाँ होगी पॉसिबल वहाँ आपको 15 सितंबर से पहले लेना है। लोअर, जिसका अगर लोअर एग्ज़ाम दैट मीन्स सर FY या SY का अगर आपने अभी तक ऑनलाइन रिजल्ट शो नहीं किया है कॉलेजेस वाले के लिए तो वो शो करके अपने जल्दी से जल्दी यूनिवर्सिटी में वो भेजना होगा। अंतिम सत्र, अच्छा अगर कुछ कोर्सेस में अगर प्रैक्टिकल वर्क है तो वाइवा एग्ज़ाम्स कुछ होते हैं तो उसको कंडक्ट करना है जूम ऐप्स के थ्रू, गूगल मीट के थ्रू, स्काइप के थ्रू या जो भी अगर ऑप्शंस आते हैं ये भी इनको लेना है 15 सितंबर से पहले। ऑनलाइन थ्योरी परीक्षा ज़रा ध्यान से सुनना, तो ऑनलाइन जो एग्ज़ाम्स की डेट होगी जो लीड अभी मैंने बताया था क्रिस्टल लस्टर, तो क्रिस्टल के हिसाब से जो कॉलेज एक हेड बनेगी बाकी सब कॉलेजेस के लिए उसके हिसाब से ही उनको फॉलो करना होगा जब वो टाइम टेबल रिलीज करेगी। ऑनलाइन थ्योरी परीक्षा वेड पत्रक तैयार करता ना, जब भी कोई भी कॉलेजेस टाइम टेबल रिलीज करेगी, फिर से सुनो एकदम इंपॉर्टेंट डेट है 25 सितंबर को ATKT के एग्ज़ाम स्टार्ट होना है और रेगुलर एग्ज़ाम जो बच्चे पहली बार TY का एग्ज़ाम दे रहे होंगे उनकी 1 अक्टूबर से लेकर 17 अक्टूबर तक एग्ज़ाम हो जाने चाहिए। 14th पॉइंट, अंतिम सत्राच्या सर्वात थेरी परीक्षा दिनांक 13 मार्च, जिसकी कॉलेज में अगर फाइनल ईयर की एग्ज़ाम थेरी एग्ज़ाम हो चुकी है 13 मार्च से पहले तो वो फिर से लेने की ज़रूरत नहीं है। 15th पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट करता है, ताकि कुछ स्टूडेंट के क्वेश्चन से सर अब हमने जो किए वो तो सब थेरी क्वेश्चन थे, अब उसको मल्टीपल चॉइस में क्या होगा, तो ये सब जिम्मेदारी है कॉलेज की। कॉलेज आपको एक कुछ मॉडल क्वेश्चंस पेपर के जैसा देंगे और वैसे टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। सर्व ऑनलाइन थ्योरी परीक्षा या 50 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम होगा 1 घंटे के लिए, फिर से सुनना 50 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा 1 घंटे का, आपको टाइम टेबल मिलेगा। तो जो लीड कॉलेज होगी वो लीड कॉलेज की जिम्मेदारी आपको क्वेश्चन बैंक तैयार करके देगी। 18th पॉइंट, प्रत्येक महाविद्यालय आपला सस्ता और ऑनलाइन परीक्षा घेना चाहिए तंत्रिक, अब अपने अपने हिसाब से सभी कॉलेज को क्या करना होगा, सैंपल्स ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की तैयारी करनी, जो भी वहाँ पे एक्सपीरियंस टीचर होगे प्रोफेसर होगे वो तैयार करके देंगे आपको। दिव्यांग, अगर कुछ बच्चे हैंडीकैप होते तो उनको 20 मिनट थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिया जाएगा। ऑनलाइन पद्धति ने प्रत्येक विषयाच्या तयारी परीक्षा झाल्यानंतर प्रत्येक महाविद्यालयाच्या लग्न मूल्यांकन प्रक्रिया, जैसे ही जो एग्जाम्स हो जाते उसके बाद में फटाफट जो भी इनके
विषय मैक्सिमम 60, 75, 80 इत्यादि गुना उसके हिसाब से आपको मार्क्स देने की कोशिश करेगी। 21 जय विद्यार्थी का ही कारण ऑनलाइन, अगर कुछ स्टूडेंट्स ऑनलाइन एग्जाम नहीं दे पाते उनके पास वो सुविधा नहीं होती है तो उनके लिए कुछ और डिसीजन लेना है ये एग्जाम के बाद में। थेरी परीक्षा बहुपार्य प्रशंसा 100 रुपयात घेण्यात येत असल्यामुळे, देखो ये अभी पूरा इलेक्ट्रॉनिक हो रहा है ठीक है, तो इसमें अगर आपके मार्क्स कम होते हैं तो आपको रिवैल्यूएशन का ऑप्शन नहीं मिलेगा। जैसे कि नॉर्मली अगर आप एग्ज़ाम देते थे मार्क्स कम आते तो आप रिवैल्यूएशन का फॉर्म डाल के अपने मार्क्स को बढ़ा सकते थे, लेकिन इसमें ऐसा कुछ होगा नहीं, ताकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है इसमें गलतियाँ होती नहीं। कंप्यूटराइज परीक्षा घेण्यासाठी स्थानिक प्रशासन, अभी वो जो भी हो गए कॉलेजेस को उनकी परमिशन लेना होगा, किस तरह से अरेंजमेंट करना होगा पुलिस की मदद लेके। विद्यार्थ्यांना परीक्षेच्या काळात समुपदेशन मिलावे, त्यांनी यांना स्वभाव अडाचे, मतलब स्टूडेंट्स को कोई भी ऐसे प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, उनको बरोबर से क्वेश्चन बैंक दे देना, ये कॉलेज की जिम्मेदारी होगी। महाविद्यालयांच्या प्रचारांना, अभी ये कॉलेजेस के लिए आपको ज़रूरत नहीं है। तो आई होप थोड़ा बहुत क्लियर हो गया रहेगा आपके एग्जाम्स किस तरह से कंडक्ट होगी। तो स्टूडेंट्स अगर पूरा वीडियो पसंद आया होगा, इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी, तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करना और वीडियो को लाइक करना भूलना मत। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है फ्रेंड्स, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो ये ऑफिशियल सर्कुलर है, 15 से आपके ओरल एग्जाम्स स्टार्ट हो जाएगा, 25 सितंबर से आपके ATKT और बैकलॉग के एग्जाम्स हो गए, देन 1 अक्टूबर से आपके रेगुलर एग्जाम हो गए। तो जितना हो सके जल्दी से जल्दी अपने दोस्तों के साथ में और अपने ग्रुप में सेंड करो, उसके बाद में भी अगर आपको कुछ डाउट रहता है तो प्लीज़ आप ज़रूर कमेंट करो, या तो पर्सनली व्हाट्सएप में मैसेज भी कर सकते हो। ओके फ्रेंड्स, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय बाय।